बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वो परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वो चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे भी मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है।
वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुनी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसीलिए कहीं-कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ओ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वो अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है ये हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इसकी बोली में मिठास है।